कि हमेशा से कि अब 6 साल हो गए, 8 साल हो गए शादी को, एंड मेरी 6 साल की बेटी है, एंड हमने कभी भी तीनों ने एक साथ आके कभी एक यू नो वी हैव नेवर शॉट टुगेदर, कभी हमने पोर्टफोलियो तो नहीं बट आई वुड से फोटोशूट नहीं कराया। एंड घर पे भी जैसे ना हम लोग बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं, वी डोंट डू फोटोशूट्स एट होम या घर को कवर नहीं करते इतना। तो जब मेरी टीना से बात हुई, एंड आई से टीना यू नो व्हाट, जयेश के साथ मैं हमेशा फ़ोटोशूट्स करता हूँ, एंड मैं इस बार चाहूँगा कि आप और दोनों आओ, हम तीनों मिलकर एक फ़ोटोशूट करते हैं, एंड टक्सीडो पहनूंगा मैं, एंड यू वेयर यू नो समथिंग रियली नाइस, यू वेयर अ गाउन, एंड हाउ इज़ दैट आइडिया। तो आई हैड टू कन्विंस हर, एंड शी वॉज एक्साइटेड, एंड रेहा इज़ ऑल्सो देयर। तो थ्री ऑफ अस टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, तीन लुक हैं, एंड देयर आर थ्री लुक्स। माई फर्स्ट लुक इज़ दिस कॉलेज गोइंग गाय विथ डेनिम जैकेट्स एंड टी शर्ट, माई सेकेंड लुक इज इन द टक्सीडो, एंड द थर्ड इज़ ऑल्सो वेरी कैजुअल विथ अनदर काइंड ऑफ अ जैकेट। So these three are the looks. We've kept it short this time so that we focus more on expressions and the family bonding. We will look at more of the relationships between me, Reha, and my wife Tina. Reha is going to wear a gown, and वो बहुत है, मतलब 6 साल की, लेकिन उसको पता है कि उसको क्या पहनना है। कल ही पूछ रही थी कि पापा, मतलब अपनी मम्मी से बात कर रही थी कि मम्मा what am I wearing? एंड देन मामा ने उसको बोला ऐसा ऐसा आप ये पहनोगे। तो शी, मतलब बच्चे के चेहरे पे एक लुक था दैट शी अंडरस्टूड व्हाट आई एम वेयरिंग, एंड शी सेड ओके फाइन। तो मतलब शी हैड दैट थिंग कि शी हैड एन ओपिनियन, एंड मैं खाली यही सोच रहा था कि शी डजंट गिव मी स्ट्रेस कि मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे वो पहनना है, एंड फिर हम उसके यू नो चॉइसेस की वजह से वी गेट डिलेड विद द शूट। And with Tina, she also knew that I'm wearing a tux, so she wanted to wear a red carpet gown, you know, which she can wear it on a red carpet. So it's a, I think when she'll come, you'll get to see it. टीवी पर इतने, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी मतलब बहुत कम अच्छे शोज़ बन रहे हैं, एंड टीवी पर ऐसा हो गया है कि आजकल बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ गए हैं जो मतलब वन टाइम प्रोड्यूसर्स हैं, एंड क्या होता है उनके साथ काम करने की दिक्कत ये होती है कि अगर शो जल्दी बंद हो जाता है तो फिर पैसे नहीं मिलते, या फिर वो प्रोड्यूसर डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर देता है। तो आई लाइक टू वर्क विद पीपल हु आर यू नो दे हैव अ गुड स्टैंडिंग एज प्रोड्यूसर्स, एंड बिकॉज वो प्रोडक्शन वैल्यू आपके शो पर दिखती है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू नो आई वॉन्ट टू वर्क विद गुड टेलीविजन प्रोडक्शन हाउसेज, एंड आई एम वेटिंग फॉर द राइट रोल टू कम माई वे, एन ऑथोबैक्ट रोल। माई लास्ट शो वॉज चलती का नाम गाड़ी, जिसमें मैं था और एक गाड़ी थी, आपस में बात करते थे, आई टू लव दैट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई डिड दैट शो, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग फैमिली एंटरटेनर्स जो सब साथ मिलकर कर सके, एंड एट द सेम टाइम वेब सीरीज़ का ज़माना है। वेब सीरीज़ का एक एडवांटेज ये है कि जब मैंने फिल्म की थी हमदम और यात्रा, तो मुझे मौका मिला था काम करने का सीनियर एक्टर्स के साथ, फिल्म के टेक्नीशियंस के साथ, एंड उस वक्त मैंने ये जाना कि दे जस्ट डोंट वर्क फॉर अ पर डे, दे आर वर्किंग फॉर पैशन। दे नो कि एक फिल्म में एक एक सीन जो है वो फॉर एवर छप गया, तो वो जो एक पैशन है टेलीविज़न में बहुत कम मैंने देखा है लोगों में, तो उनका ये एटीट्यूड है कि यार आज आ गए, साइन कर लिया, पर डे मिल गया या छाप दिया, चलो कर लो। बहुत कम ऐसे शोज़ बनते हैं और ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो दे टेक देयर वर्क वेरी सीरियसली, एंड दैट्स द रीज़न आई वॉन्ट टू वर्क विद देम ओनली, आई वॉन्ट टू वर्क, एंड देर आर सो मेनी एक्टर्स, तो That's the reason why I guess the break comes in, that you know you it's a delay over there. मैं सब फैंस को यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, आप लोग सब अभी भी यू नो लाइक यू ऑल लव मी सो मच, एंड यू कीप आस्किंग मी कि मैं कब माय नेक्स्ट शो इज़ गोना कम ऑन एयर, सो डोंट वरी, आई एम गोना बी बैक वेरी सून, एंड कीप लविंग मी, थैंक यू, एंड येस व्हेन आई कम ऑन एयर आई विल कम अप विद अ गुड शो। कोई भी यू नो ऐसा शो आप करो जो 2-3 महीने में उधर जाए, उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक एक अच्छा शो, एक जिससे पूरा परिवार एक साथ देख सकता है और जो मुझे भी करने में मज़ा है, आई वुड लाइक टू डू दैट।